डॉक्टर चांदनी जी, जैसे आपने सिर्फ MBS ही नहीं की वहां से, आपने कन्नड़ में आपने PhD भी कर ली। PhD तो नहीं करूंगी, बट कनाडा काफी हद तक ग्रेजुएशन हो गई वहां से, कन्नड़ में इतना कह सकते हैं। डॉक्टर चांदनी, डॉक्टर चांदनी ने सरल शब्दों में ये बोला कि अगर प्रतिभा को यह मंच मिलता, यदि प्रतिभा को अवसर मिलता, तो ये बाहर की ओर क्यों रुक करे। तो ये एक बड़ा दर्द जो है वो आज के युवाओं के अंदर भी है, और जो इस वक्त की सरकारें हैं, या वो राज्य सरकारें हैं या वो केंद्र सरकार है, मुझे लगता है जो नीति तैयार करते हैं उन नीतिकारों को ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए, और डॉक्टर चांदनी के बताए हुए सुझावों पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि नौजवानों को आप अपने राज्य के अंदर या अपने जिले के अंदर अवसर दे करके उन्हें अपने पैरों पर खड़े कर सके और बड़े सम्मान के साथ। तो ये मतलब एक बड़ी बात आपने कही डॉक्टर चांदनी की, एक अपॉर्चुनिटी मिल पाना या फिर एक मंच मिल पाना, अवसर मिल पाना, ये कहीं ना कहीं नौजवानों को खलता रहता है, जिसके लिए वो प्रदेश की ओर रुख करते हैं। वहाँ बहुत सरलता से सारे अवसर मिल जाते हैं। देखिए वहाँ अगर मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती, अपने लिए कह, बट मैं अपने लिए ये बोलूंगी कि मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। अब मेरे पास देखिए हमारे पान में, अच्छा एक बात और बताइए डॉक्टर चांदनी, जब आपने अपना घर छोड़ा, आप कर्नाटक चले गए, फिर आपने क्या कुछ अलग खाना बनाना सीखा जो आप यहाँ बनाते थे वहां से वहां? देखिए मैंने खाना बनाना तो सच में बोलूं शादी के बाद सीखा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि विद्यार्थी जीवन में जब आप घर त्यागते हैं, यानी कि आपको अपने घर से दूर किसी दूसरे स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में रहकर पढ़ना पड़ता है या दूसरे कंट्री में, तो आपके लिए सबसे बड़ी जो स्किल है या आपकी प्रतिभा होनी चाहिए वो आपको खाना बनाना आना चाहिए। यहाँ क्या क्या खाना बना लेते थे आप और वहाँ क्या क्या बना लेते थे? देखिए यहाँ पर तो बहुत सीधा साधा खाना मतलब मुझे बनाना आता था, दाल चावल कह लो, और ज़्यादा कुछ नहीं आता था। और वहाँ जब मैं गई हूँ वहाँ का खाना बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे डोसा इडली सांभर वो सब खाते हैं कर्नाटक में, बट मैंने वहाँ पे नहीं सीखा क्योंकि हॉस्टल में हमारा सुबह से लेके रात तक की ड्यूटीज़ होती थी, क्योंकि मैं ओरल सर्जरी में थी तो मेरी नाइट ड्यूटीज़ भी होती थी। तो पर मैं ये बोलूंगी कि खाना बनाना लाइफ स्किल है, वो आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता तो सीख लीजिए, जितनी जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए, छोटे से छोटे बच्चे को आना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरी मैं कहूँगी एक ड्रॉबैक रहा है हमारी उसमें कि मैंने नहीं सीखा और मैंने बाद में सीखा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी है ताकि आप चूज़ कर सकें आप क्या खा रहे हैं, और जो आप खा रहे हैं वही आप बन रहे हैं, वही आपका दिमाग है, वैसा ही आप सोचते हैं। तो खाना अच्छा और हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। खाना मैंने मेजरली बनाना अपने हस्बैंड से सीखा। अरे वाह, ये लकली ऐसे केसेस बहुत कम होती है, आप इस बात में फॉलो ना करिए। बट सच में मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक खाना मुझे सिखा दिया, फिर मैंने अपने मदर इन लॉ से सीखा। और मुझे तक काम से याद है मैम, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए, काम करना भारत में ज्यादा आसान है, पंजाब में ज्यादा आसान है, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न में? काम की तुलना अगर करें, यहाँ तो डॉक्टर्स जब चाहे ब्रेक ले लेते हैं, क्या वहाँ ले पाते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कई तरह के डॉक्टर्स हैं जो ब्रेक ले लेते हैं, और कुछ हैं जो बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते। ठीक है, अब जिनके साथ मैंने काम किया है वो बहुत ज़्यादा मेहनती डॉक्टर्स थे, मैं भारत की बात कर रही हूँ, और नहीं लेते थे ब्रेक, बोल बहुत कम ब्रेक लेते थे और बहुत मेहनत करते हुए मैंने उनको देखा, ऐसी बात नहीं है। आप अपने जीवन को सुधारने के लिए, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्षरत रहते हैं पूरे जीवन में, या फिर मैं कहूँ कि संघर्ष के दौर में आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए संघर्षशील होते हैं। और आज के राष्ट्र में अगर मैं बात करूँ बेटा और बेटियों के दोनों के समान अंतर एक साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने की, तो शायद बेटियाँ इस मामले में बाजी मारती नजर आ रही हैं। और आज मैं आपको होशियारपुर की एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने सिर्फ ना ही केवल पूरे अपने होशियारपुर जिले को, अपितु अपने जिले के साथ अपने राज्य को, अपने देश को विदेश के अंदर गौरवान्वित होने का मौका दिया है। जब भी भारतीय इनसे यहाँ जहाँ ये ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहते हैं वहाँ मिलते हैं तो इनसे मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। डॉक्टर चांदनी पासी जी से आज बात करेंगे जो कि डेंटल सर्जन के अंदर इस समय ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर चांदनी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका GVC में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं आप उन्हें ये बताएं कि आपका जो सफर होशियारपुर से स्टार्ट हुआ ये आज कहां तक है। देखिए होशियारपुर में मेरा मैं पली बड़ी हूँ, होशियारपुर में मेरी पढ़ाई हुई है स्कूल से लेके,
10+1, 10+1, 10+2 की। उसके बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो लुधियाना से की डेंटिस्ट्री में, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कर्नाटका से हुई है। कर्नाटका में बैंगलोर से दूर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हासन, वहाँ मैंने पढ़ाई की है जी। तो होशियारपुर तो ये है कि एमडीएस के बाद, मास्टर्स के बाद मैं वापस होशियारपुर आई थोड़ी देर काम करने, फिर मैंने आगे चंडीगढ़ में भी काफ़ी कई क्लिनिक्स पे काम किया। तो ऐसे ही उसके बाद फिर शादी हो गई, शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई, बाहर फॉरेन जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था। ठीक है, जब तक आप पढ़ रहे थे, जब तक आप मास्टर कर रहे थे, तब तक कोई प्लान नहीं था कि आपने बाहर जाना है? नहीं, बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। मास्टर्स के बाद मैंने जैसे कई मेरे मुझे एक एक्चुअली अपने ही फेलो स्टूडेंट मिले जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके थे और वो ट्रिपल एम के स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे डॉक्टर सौमिल खरबंदा को। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया ऑस्ट्रेलिया के एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद फिर ऐसी शादी भी ऑस्ट्रेलिया में हो गई, ऐसे ही कह लो संजोग बन गए और आई एंडेड अप इन ऑस्ट्रेलिया। मात्र एक संजोग रहा। तो जब आप ट्रिपल एम के विद्यार्थी रहे, आप प्लस वन प्लस टू में रहे, तो आपने यहाँ पे अपना वो विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया जो कि टीनेज बोलते हैं। बिल्कुल। तो आज आप देखते हैं, आप अपने विद्यार्थी जीवन को देखते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के विद्यार्थियों को आप देखते हैं, तो कितना कुछ अंतर भारतीय और ऑस्ट्रेलियन में रहता है? देखिए, अब तो ओवरऑल अब चाहे भारत हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, भारत का टीनेजर हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का टीनेजर हो, दोनों ही टीनेजर्स आज के टाइम में काफ़ी डिफरेंट है जो हम जब टीनेजर थे। तो हमारे पास उतना एक्सपोजर सोशल मीडिया था बट उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। अब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और हर एक बच्चा, उसको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो, चाहे वो भारत में हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे वो कहीं भी हो। अच्छा, मतलब ज्ञान को अर्जित करने के लिए वहाँ भी विद्यार्थी इतने ही लालुक नजर आते हैं या फिर उतावले होते हैं? वहाँ पे कंपटीशन का दौर आप वहाँ भी देखते हैं विद्यार्थियों में, जैसे यहाँ आपके टाइम में रहा कि यहाँ तो आज भी कंपटीशन का दौर काफ़ी है, विद्यार्थियों का आपस में बहुत प्रतियोगिता रहता है, वहाँ विद्यार्थियों के अंदर क्या कुछ रहता है? वहाँ पर जो मैं नज़र, जो कि मैं विद्यार्थियों से इस तरह मिलती हूँ कि जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि उनके अंदर ऐसा नहीं है, उनका रुझान जो है वो बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में है। बहुत बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी बनना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं हम आर्टिस्ट बनेंगे या हम सिंगर बनेंगे या हम किसी और शेफ या यू नो कुछ और डांसर या डांसिंग में या बैले में जाना चाहते हैं। तो बहुत ऐसे डिफरेंट तरह के उनके रुझान हैं, तो ऐसा एक तरफ का रुझान नहीं है उनका। डॉक्टर चांदनी ने पहले डिसाइड कर लिया था कि उन्होंने डेंटल सर्जन बनना है या नहीं? देखिए, मेरे डेंटिस्ट्री में पहली बात तो मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, मेरा सारा एफर्ट MBBS में जाना चाहती थी। बिल्कुल ठीक है। और फॉर सम रीजन मेरा उतना रैंक नहीं आ पाया तो मैं आई एंडेड अप इन डेंटिस्ट्री, जिसका मुझे रिग्रेट अब बिल्कुल भी नहीं है। पहले ऑब्वियसली अगर आप कहें कंपैरिजन में होता है, मेरे जो जितने भी साथ के बच्चे थे जो यहाँ ट्रिपल एम से ही पढ़े हैं और आगे बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं भारत में भी और अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, तो वो लोग उनका ही ग्रुप था। मेरा ग्रुप हमेशा ही जो फ्रेंड्स का रहा है वो बहुत ज़्यादा उनको ड्राइव थी कि हमने कुछ बनना है। तो वो एक कह लो कि कंपनी भी मैटर करती है कि आपकी कंपनी कैसी है, आपको किस तरह से मोटिवेशन मिलती है लोगों से। तो मेरी हमेशा कंपनी ऐसी रही जहाँ मैं, मुझे हमेशा ड्राइव मिलती रही कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। प्लस मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा जो ड्राइव और मोटिवेशन फैक्टर था वो मेरी मदर थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं प्रेरणा दी कि आप, तुमने कुछ करना है लाइफ में। जी। और इसी तरह बस आई एंडेड अप, बट हम डेंटिस्ट्री में नहीं जाना चाहती थी पहले और काफ़ी कंफ्यूज भी रही डेंटिस्ट्री के दौरान कि क्या करना है आगे। बट फिर धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब आप अपने धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आपका रुझान किस तरफ है, आप किस तरफ जाना चाहते हो, तो आई एंडेड अप इन ओरल सर्जरी। तो मैंने मास्टर्स किया। तो मुझे ये बताइए कि मैम, जब आपने यहाँ से BDS किया, यहाँ से MBS किया भारत से करने के बाद, फिर आप जब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए, तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने आपको सहज स्वीकार कर लिया था कि आप यहाँ डॉक्टरी कर सकते हैं, डेंटल सर्जन के तौर पे सेवाएं दे सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया का सफर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सफर। बिल्कुल जी। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, जो मेरा पहले कभी इरादा ही नहीं था,
जो साउथ इंडिया का सफर था, मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा हाँ, हटके बिल्कुल जवाब हाँ। दे रही हूँ। नहीं, ये मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि उत्तर भारत से अगर आप दक्षिण भारत तक सफर तय करते हैं तो एक तो भाषा का जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत आती है, दूसरी दिक्कत आती है अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आती या फिर आप उस हिसाब से लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं तो वहाँ सर्वाइव कर पाना या वहाँ पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो पड़ा है, क्योंकि आपकी बातों को समझने वाला जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ आप कैसे जियोगे और कैसे पढ़ोगे, एक बड़ा सवाल है। जी मैम, मैं चाहूँ कि जरूर आप इस सफर को ही बताएं। देखिए, जब BDS में एडमिशन मिला और BDS हमने कर ली तो ध्याना बहुत पास है होशियारपुर के, तो हम तो वीकेंड पे जैसे सैटरडे संडे कभी भैया ने आ जाना लेने के लिए, है ना, हम चले जाते थे घर, तब घर से कनेक्टेड थे और बहुत कहते हैं हम पैम्पर्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें आदत नहीं होती है उतनी मेहनत करने की, मतलब हम पढ़ाई में मेहनत करते हैं पर बाकी चीज़ों पे इतनी मेहनत करने की आदत नहीं होती, खाना वाना बनाना और वो सब। बट जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं साउथ इंडिया, क्योंकि मैंने ट्राई किया एंट्रेंस एग्जाम्स का पंजाब में और मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आया, और अगर जो रैंक मिल रहा था उस पर काफ़ी आपको डोनेशन देना पड़ता है सब कुछ, तो मैंने क्लियर किया कॉमेट के, जो कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू मुझे एडमिशन मिला कर्नाटका में, जो डिस्ट्रिक्ट है हासन, बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वो बैंगलोर से 3-4 घंटे की सफर है, दूरी है वहाँ से बिल्कुल, और वहाँ किसी को हिंदी नहीं आती थी, ये एक बड़ी बड़ी दिक्कत थी। आप भारत के अंदर रह रहे हैं और वहाँ भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ किसी को हिंदी नहीं आती है, तो जी मैम किसी को हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश आप बोल नहीं सकते थे, तो सबसे बड़ा जब मैं वहाँ पे पहले दिन गई और हमारे बैच में 2 बच्चे थे, एक हरियाणा से था और मैं एक पंजाब से, हम ओरल सर्जरी के बैच में आए, तो वहाँ मैं गई और मैंने पहले तो कॉलेज देखा और मैं हैरान रह गई, इतना छोटा कॉलेज और इतने सारे पेशेंट्स, और मैं हैरान थी कि इतने पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे गांव से, दूर दूर गांव से अपनी चिकित्सा के लिए जी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि उन्होंने मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने मुझे कहा तुम अभी भी जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ सर्वाइव करना, तो 3 साल की स्टडी है, कैसे सर्वाइव करोगी, प्लस ओरल सर्जरी तुमने ले ली है, तुम बट सॉफ्ट लग रही हो बहुत, तुम कर पाओगी। मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया, मैंने कहा मैं बिल्कुल कर पाऊंगी, पहले मैंने अपनी मदर से भी बात की कि यहाँ पे तो किसी को हिंदी नहीं आती है और मुझे तो कन्नड़ा सीखनी पड़ेगी जी। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप पेशेंट से बात ही नहीं कर सकते। तो मेरी मदर ने मुझे फिर बोला कि तुम चाहती थी जाना, अब तुम इसको फेस करो, या तो छोड़ दो या तो एक्सेप्ट करो या फिर भाग चलो। तो फिर मैंने कहा अब मैं एक्सेप्ट ही करूंगी क्योंकि मैं करना चाहती हूँ कुछ, तो फिर मैंने कन्नड़ा सीखी, फिर मैंने अपने सीनियर्स को हेल्प लेके एक डायरी लगाई जहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन किया हिंदी से कन्नड़ा का और क्या क्वेश्चंस आप पूछते हो पेशेंट्स को, फिर धीरे 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 बातचीत करके पेशेंट से, जब नाइट ड्यूटीज होती थी हमारी, मेडिसिन वगैरह हम देते थे उस टाइम पे, मैंने और ज़्यादा सीखा, तो विद इन 3 मंथ्स मैंने लैंग्वेज को सीख लिया इतनी कि मैं उनसे बात उनसे काम चल सके, हाँ, और ट्रीटमेंट हो पाए, हाँ, उनका इलाज हो पाए और आपके साथ उनका कम्युनिकेशन हो पाए। तो इतनी मतलब ये प्राथमिकता के स्तर पर ये काम रहा कि वो बातें सीख ली जाए जो कि रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग आने वाली है, या फिर उपचार के दौरान जो डॉक्टर ने मरीज के साथ सवाल करना है या फिर मरीज ने उसका रिप्लाई क्या करना है। अच्छा, उसके बाद मैम, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा हुआ कि लास्ट ईयर था फाइनल एग्जाम और मैं ट्रीट कर रही थी, हमें 45 मिनट्स 45 मिनट मिलते थे कि आपने ये विजडम टीथ की सर्जरी करके निकालना, उसके बाद आपने वाइवा देना है, ग्रैंड वाइवा और आपने सीट चेयर साइड वाइवा देना है। अच्छा, तो उस 45 मिनट्स के अंदर 45 मिनट्स के अंदर आपको दांत निकालना है और उसके बाद आपका वाइवा होगा। वाइवा में आपको 1 घंटे का वाइवा अलग होगा, 3 आवर्स का वाइवा अलग होगा, ठीक है। तो मैं अब ऑब्वियसली उसमें आपको जो एक्सटर्नल एग्जामिनर दूसरे कॉलेजेस से मैंगलोर से आए थे तो उन्होंने पहले तो वो देखते थे कि आप कैसे बात कर रहे हो पेशेंट से, कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, बर्ताव कैसे आपका। तो उसमें आप बात करते हो, मैं कन्नड़ा में बात कर रही थी तो वो मुझे कहते कि आप कहाँ से हो, आप दिखते यहाँ के नहीं हो लेकिन आप लैंग्वेज तो बहुत अच्छी बोल रहे हो। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैं पंजाब से हूँ बट मैंने सीखी है लैंग्वेज, तो कहते मैं नहीं, मुझे समझ नहीं आया आपने सीखी कैसे इतनी अच्छी कन्नड़ा। तो मैंने कहा मैंने ऐसे सीखी कि अब हम सुबह शाम जब बात ही कन्नड़ा में कर रहे हैं तो फिर आपको आ ही जाती है।
बट वो एक बहुत कॉम्प्लीमेंट मैं कहूँगी, मतलब मैं बोस्ट नहीं करना चाहती, बट इट वॉज अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि 3 साल की मेहनत के बाद आप इतना अच्छा बात कर पा रहे हो अपने पेशेंट से, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर तो आप चलो डिग्री लेके बनी जा रहे हो, लेकिन आप अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंसान कैसे बनते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो डॉक्टर चांदनी जी, जैसे आपने सिर्फ MBS ही नहीं की वहां से, आपने कन्नड़ में आपने PhD भी कर ली। PhD तो नहीं करूंगी, पर कनाडा काफी हद तक ग्रेजुएशन हो गई वहां से, कन्नड़ में इतना कह सकते हैं। हाँ, डॉक्टर चांदनी, हम जानना चाहेंगे कि एक देश से दूसरे देश में चले जाना, वहां जाकर काम करने लग जाना या फिर वहां जाकर बस जाना, क्या ये सब सफर उतना ही आसान है जितना हम बातें करते हैं, या फिर इस सफर के दौरान भी कुछ संघर्ष रहता है या आपके जीवन में रहा? जी, बहुत बड़ा संघर्ष रहता है, थोड़ा नहीं, और मैं कहूँगी मेरा संघर्ष तो 50% कम हो गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे सिटीजन थे, तो मुझे उस तरह का स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ा। जो स्ट्रेस मैंने लिया है वो सिर्फ उसके बाद जो डेंटिस्ट्री के एग्ज़ाम्स होते हैं जो देने पड़ते हैं वहाँ काम करने के लिए एज ए डेंटिस्ट, सिर्फ वो मैंने दिए, और उस दौरान थोड़ा संघर्ष था। बट मैं कहूँगी कि जो लोग जाते हैं एज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन, प्रतिभा के आधार पर, हाँ प्रतिभा के आधार पर, जो पहले डेंटिस्ट को इंक्लूड करता था ऑस्ट्रेलिया में, अब उसने डेंटिस्ट को बाहर कर दिया, बाहर कर उस लिस्ट से, जो प्रतिभा की लिस्ट वो चाहते हैं, जो स्किल्ड पर्सन वो चाहते हैं, उन्होंने एक लिस्ट तैयार की हुई है, लिस्ट तैयार की है, और उसमें पहले डेंटल आते थे, अब नहीं आते, अब नहीं आते जी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट बदलती रहती है, तो जैसे गवर्नमेंट बदलती है तो लिस्ट के भी जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो बदलती रहती है, तो कभी वो डाल देते हैं उसको और कभी नहीं, तो हमेशा जो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है जो आपको हेल्प करता है बताने के लिए कि अच्छा ये सारी ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें, तो उससे आप सलाह ले सकते हो। लेकिन अगर आप मेरा एग्जाम्पल लेते हैं तो मेरे लिए तो संघर्ष आधा था, क्योंकि मैं वहाँ पे, मेरे हस्बैंड सिटीजन थे, तो मुझे वहाँ पे वैसे ही वर्किंग राइट्स इन अदर 6 मंथ्स में शादी के बाद मिल गए थे। तो लेकिन जो उसके बाद का जो संघर्ष था, प्रोफेशनल संघर्ष, उसमें मैं कहूँगी पहले मैंने 2 साल काम किया एज ए डेंटल असिस्टेंट, किसी क्लिनिक में जाके उनको असिस्ट करवाया, ठीक है, और मैंने वहाँ के काम कैसे होता है डेंटिस्ट्री का, क्योंकि वहाँ जो डेंटिस्ट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ से, ठीक है जी। तो थ्योरी पार्ट बिल्कुल सेम है, जो ट्रीटमेंट्स हम करते हैं उसके प्रोटोकॉल्स मोर और लेस सेम हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें, इन्फेक्शन कंट्रोल और बहुत ध्यान रखते हैं उस चीज़ का, और गाइडलाइंस बहुत डिफरेंट हैं, एंटीबायोटिक्स वो जल्दी नहीं देते, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब जो हमें लगती छोटी हैं बट बाद में है, बड़ी, बड़ी हो जाती हैं, भूमिका बड़ी है, बहुत डिफरेंट है। जो संघर्ष था वो ये था कि कैसे एग्जाम क्लियर करना है ताकि आई कैन प्रैक्टिस एज अ डेंटिस्ट, बट उससे भी बड़ा संघर्ष जो आपको वहाँ जाके एग्जाम देना पड़ा, क्या कहते हैं उस एग्जाम को? उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल का पार्ट वन, ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल ADC, अर्थात ADC पार्ट वन एंड पार्ट टू होता है, दो भागों में होता है। पार्ट वन में आपको वो थ्योरी का करवाते हैं, थ्योरी का एग्जाम देना होता है आपको ऑनलाइन, उनके सेंटर्स बनते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और भी बहुत देशों में, वहाँ आप दे सकते हो, और उसके बाद आपको क्लियर करने के बाद आपको 3 साल मिलते हैं कि आप पार्ट टू कर सको। तो 3 सालों में अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको पार्ट वन दोबारा देना है। 3 साल में अगर आप नहीं कर पाए तो आपको पार्ट वन दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैंने एग्जाम दिया उस टाइम पैटर्न चेंज हुआ था थोड़ा बहुत, और मुझसे पहले जो 2014-2013 के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया उस दौरान आई थिंक 7 या 8 दिन का एग्जाम होता था, अब उन्होंने काट के 2 दिन का कर दिया। बट हाँ, पार्ट टू में आपकी वो सारी प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट करते हैं, आपकी थियोरेटिकल नॉलेज टेस्ट करते हैं, सब कुछ टेस्ट करते हैं। तो ये सब संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष आपको झेलना पड़ा, झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अब देखिए हम आए बिल्कुल पढ़ाई करके इंडिया से और इंडियन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके एक उनके हिसाब से काम करना और उनके अंडर जो डेंटल बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंडर आपको लाइसेंस लेना है, तो आपको सारी ऑब्लिगेशंस हैं जो मीट करनी है, रिक्वायरमेंट्स हैं जो। ये तो रही वहाँ तक का सफर। जो ये ADC क्लियर करने के लिए आज की क्या नियम और शर्तें हैं, अगर आज के विद्यार्थी हमें देख पा रहे हैं तो आप उन्हें क्या बताएंगे, आज की क्या नियम और शर्तें हैं ADC के लिए?
आज के तो ये होगा कि उनकी जो गाइडलाइन की बुक है, अच्छा, वो ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल की जो गाइडलाइंस की बुक है, बिल्कुल, उससे वो तैयारी करें, उससे वो तैयारी करें। वो बुक्स ऐसे हैं कि वहाँ पे थेरेपेटिक गाइडलाइंस हैं, ठीक है, और बहुत सारी और बुक्स हैं जो कि आप इन्फॉर्मेशन अगर कोई जानना चाहे तो वो फेसबुक पे ग्रुप बने हैं एडीसी के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया फेसबुक पे ग्रुप बन गए ग्रुप है एडीसी रिटर्न एग्जाम, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ जहाँ ग्रुप में लोग शेयर करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब शेयर होता है वहाँ पे। तो आप उस ग्रुप का अगर पार्ट बनना चाहें आप बन सकते हैं, या ऑलरेडी जो ग्रुप का पार्ट है उसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए कहें, वो आपको इंक्लूड कर सकता है। तो ये तो वो मंत्र है जिससे आप एडीसी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। डॉक्टर चांदनी, ये बताइए कि सभी जितनी प्रतिभाएं हैं लगातार विदेश की ओर रुख कर रही हैं, उड़ती जा रही हैं यहाँ से प्रतिभा, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो, जो बड़ा वर्ग है युवा वर्ग पंजाब का है, वो तो लगातार इसको एक ट्रेंड की तरह मान रहा है, एक क्रेज कह दीजिए आप लोगों के अंदर ये चल गया, जैसे पहले यूपीएससी का क्रेज होता था, तो वैसा क्रेज यहाँ पंजाब के अंदर आगे भी फॉरन शिफ्ट होना है। तो नहीं लगता आपको कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सारी प्रतिभाएं पंजाब से बाहर विदेशों में बस जाएंगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मुझे लगता है इसका इसका जवाब पहले तो हम ये सोचें कि प्रतिभाएं जाना क्यों चाहती हैं। हाँ, प्रतिभाएं जाना क्यों चाहती हैं, ये डॉक्टर चांदनी आज बताएंगे, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ी प्रतिभा है और शायद ऐसी प्रतिभाओं का यहाँ रहना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप तक या आपके परिवार तक सही उपचार किस तरह पहुंचेगा, उसके लिए प्रतिभा का यहाँ होना बहुत आवश्यक है। पर प्रतिभा जाना क्यों चाहती है, ये एक नया सवाल खड़ा कर दिया है डॉक्टर चांदनी जी। जी डॉक्टर चांदनी, मुझे लगता है कि दो कारण हो सकते हैं। एक तो है कि आजकल का जो सोशल मीडिया का एक्सपोजर है बहुत ज्यादा है और उसमें बच्चे ढूंढते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए सक्सेस का, जी ठीक है, जितनी जल्दी हो सके वो और सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा मुझे लगता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, क्या उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, ठीक है। जब प्रतिभा दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, जब उनको अच्छी मेंटरिंग नहीं मिलेगी, जब उनको पढ़े लिखे जो बच्चे आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जब ऑब्वियसली वो मास्टर्स कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, उसके बाद उनको कहते हैं ना सेटिंग द फुट इन द डोर, राइट, उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? वो अपॉर्चुनिटी क्योंकि नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो सोचते हैं कि चलो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो बाहर जाके देखते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं अपने टाइम पे कंपेयर कर सकती हूँ, दूसरा जो आज के बच्चे हैं उनका मेन ये है कि इतना एक्सपोजर हो गया, उनको लगता है बस जिंदगी है, खाओ पियो इन्जॉय करो और अच्छा पहनो और बस यही जिंदगी है। पर रियलिटी में जो लाइफ है, जिंदगी है, उसमें आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है और शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते आप ये भूल जाते हो कि सफलता पाने के लिए, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल सफलता हो, किसी भी तरह की सफलता हो, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सो डॉक्टर चांदनी ने सरल शब्दों में ये बोला कि अगर प्रतिभा को यह मंच मिलता, यदि प्रतिभा को अवसर मिलता, तो ये बाहर की ओर क्यों रुक करे। तो ये एक बड़ा दर्द जो है वो आज के युवाओं के अंदर भी है, और जो इस वक्त की सरकारें हैं, या वो राज्य सरकारें हैं या वो केंद्र सरकार है, मुझे लगता है जो नीति तैयार करते हैं उन नीतिकारों को ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए और डॉक्टर चांदनी के बताए हुए सुझावों पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि नौजवानों को आप अपने राज्य के अंदर या अपने जिले के अंदर अवसर दे करके उन्हें अपने पैरों पर खड़े कर सकें और बड़े सम्मान के साथ। तो ये मतलब एक बड़ी बात आपने कही डॉक्टर चांदनी की, एक अपॉर्चुनिटी मिल पाना या फिर एक मंच मिल पाना, अवसर मिल पाना, ये कहीं ना कहीं नौजवानों को खलता रहता है, जिसके लिए वो प्रदेश की ओर रुख करते हैं, वहाँ बहुत सरलता से सारे अवसर मिल जाते हैं। देखिए, वहाँ अगर मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती, अपने लिए कह, बट मैं अपने लिए ये बोलूंगी कि मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। अब मेरे पास, देखिए, हमारे पास ये है कि आपके पास स्किल सेट होता है, ठीक है, वो चाहे आप डेंटिस्ट्री में लो, चाहे वो सर्जरी में लो, चाहे वो आप एज अ डॉक्टर लो, अगर आपके पास स्किल सेट है और आप वहाँ हो जहाँ वो स्किल सेट यूज़ किया जा सके, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी।
और मैं वो चीज़ कहूँगी भारत के लिए भी, भारत में भी अगर आप राइट टाइम पे राइट जगह हैं, वहाँ पे आपके स्किल सेट का यूज़ है, तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन क्या होता है, जब हम यंग होते हैं हम फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं, किसी टाइम पे मैं भी हुई थी, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको लगता है चीज़ें काम नहीं कर रही उस तरह से जिस तरह से आपने चाहा था, अपेक्षाएं वो होती हैं, ठीक है, हर बच्चे में होती हैं। और आज तो बल्कि प्रेशर डबल ट्रिपल हो गया बच्चों में, क्योंकि इतना एक्सपोजर है जी। बच्चे हर लेवल पे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लुक्स से लेके अपनी पढ़ाई से लेके करियर से लेके फैमिली बैकग्राउंड से लेके सबको कंपेयर करते हैं और फिर निराश होते हैं, ठीक है। उसमें उनको मोटिवेट कौन करेगा उसमें, या तो अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हैं वो आपको राइट गाइडेंस दे दें, कई कई लोग नहीं होते फॉर्चुनेट जिनके पास पेरेंट्स उतना टाइम दे सकें उनको, ठीक है। दूसरा ये कि आपका जो सवाल था कि संघर्ष की करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, और अवसर किस तरह से मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, अवसर बिल्कुल मिलते हैं आपको। और आप जब आप जैसे मैंने कहा यू हैव टू बी यू नो इन द राइट प्लेस द राइट टाइम, और आपको अपना स्किल सेट आपको एक बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अब डेंटिस्ट्री में क्या है, डेंटिस्ट्री में सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क बहुत मैटर करता है। और जब आप मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क मैटर नहीं करता, सॉफ्ट स्किल्स मैटर करते हैं, जो हमें यहाँ पे किसी ने नहीं सिखाए, ठीक है। मतलब मैं किसी की क्या बात करूँ, हमने भी नहीं सीखे, चलो मैं एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती, हम 18 साल के जब हो जाते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीज़ें सीखना, अपने पेरेंट्स पे या अपने टीचर्स पे नहीं डाल सकते। तो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो नहीं हमने सीखे, और वहाँ जाके मैंने सीखे जिसको EQ कहते हैं, इमोशनल क्वोशेंट आपका हाई होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एम्पथी से पेशेंट से बात कर सकें, आप उनको समझ सकें, उनको सुन सकें, और उसके बाद ये शो करना उनको कि आप आपका दिल में उनके लिए बेस्ट इंटरेस्ट्स हैं जो जेन्युइनली होने भी चाहिए, वो सब कुछ आप सीखते हो, साथ में आप प्रैक्टिकल वर्क सीखते हो, और साथ ही में आपकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो भी साथ में काम आती है। तो ये तो बहुत अच्छा सफर सुना दिया मैम आपने, परंतु ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में रहने में, यानी कि वहाँ की दिनचर्या में, वहाँ के रहन सहन में, वहाँ के खान पान में, अच्छा एक बात और बताइए डॉक्टर चांदनी, जब आपने अपना घर छोड़ा, आप कर्नाटक चले गए, फिर आपने क्या कुछ अलग खाना बनाना सीखा जो आप यहाँ बनाते थे वहां से वहां? देखिए मैंने खाना बनाना तो सच में बोलूं शादी के बाद सीखा है, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि विद्यार्थी जीवन में जब आप घर त्यागते हैं, यानी कि आपको अपने घर से दूर किसी दूसरे स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में रहकर पढ़ना पड़ता है या दूसरे कंट्री में, तो आपके लिए सबसे बड़ी जो स्किल है या आपकी प्रतिभा होनी चाहिए वो आपको खाना बनाना आना चाहिए जी। यानी तो आप बहुत महंगे पढ़ने वाले हैं और आपकी पढ़ाई बहुत महंगी पढ़ने वाली है, तो डॉक्टर चांदनी से भी इस सफर के बारे में जरूर पूछ लेंगे, क्योंकि चलिए डॉक्टर चांदनी जब अपना अनुभव हमें बताएंगे या आपको बताएंगे तो शायद वो आपके जीवन में एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है कि किस तरह से डॉक्टर चांदनी आज सफलता की चरम सीमा पर है। डॉक्टर चांदनी जब आप पंजाब में थे या फिर आप जब यहाँ से वीडियोस कर रहे थे, फिर आप लुधियाना गए, उसके बाद आप कर्नाटक चले गए, यहाँ क्या क्या खाना बना लेते थे आप और वहाँ क्या क्या बना लेते थे? देखिए यहाँ पर तो बहुत सीधा साधा खाना मतलब मुझे बनाना आता था, दाल चावल कह लो, और ज़्यादा कुछ नहीं आता था। और वहाँ जब मैं गई हूँ वहाँ का खाना बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे डोसा इडली सांभर वो सब खाते हैं कर्नाटक में, बट मैंने वहाँ पे नहीं सीखा क्योंकि हॉस्टल में हमारा सुबह से लेके रात तक की ड्यूटीज़ होती थी, क्योंकि मैं ओरल सर्जरी में थी तो मेरी नाइट ड्यूटीज़ भी होती थी। तो पर मैं ये बोलूँगी कि खाना बनाना लाइफ स्किल है, वो आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता तो सीख लीजिए, जितनी जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए, छोटे से छोटे बच्चे को आना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेरी मैं कहूँगी एक ड्रॉबैक रहा है हमारी उसमें कि हम मैंने नहीं सीखा और मैंने बाद में सीखा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी है ताकि आप चूज़ कर सकें आप क्या खा रहे हैं, और जो आप खा रहे हैं वही आप बन रहे हैं, वही आपका दिमाग है, वैसा ही आप सोचते हैं। तो खाना अच्छा और हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। खाना मैंने मेजरली बनाना अपने हस्बैंड से सीखा। अरे वाह, ये लकली ऐसे केसेस बहुत कम होती है, आप इस बात में फॉलो ना करिए। बट सच में मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक खाना मुझे सिखा दिया, फिर मैंने अपने मदर इन लॉ से सीखा, और
वो काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ जाके सीखी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई तो वहाँ पे थोड़ा लोग जो हैं हल्का खाते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में लोग हल्का खाते हैं, सुबह के नाश्ते में भी और रात के डिनर में भी? देखिए, अब जैसे आप हर जगह में इंसान, हर एक साइज का इंसान, हाँ, परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, वहाँ पे भी हर एक तरह के, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं, तो उन सबका खाना डिफरेंट डिफरेंट है। बाकी ये है कि हाँ, जो हमारे प्रोफेशन में लोग हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि हम जितना हो सके काम कर सकें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं और मेंटल काम भी बहुत होता है, तो हम चाहते हैं कि हम हल्का खाएं, एक्टिव रहें और सैलेड्स खाएं ज़्यादा, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम रखें अपने खाने में, ताकि हम ज़्यादातर काम कर सकें, क्योंकि हमारा काम शुरू होता है 8 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक कंटिन्यूस, और बीच में होती है 1 घंटे की ब्रेक। तो अगर आप सुबह हैवी खा लें पराठे, तो आप तो काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखना है, ये आप भी कह रहे हैं या फिर आपका अनुभव भी कह रहा है? परंतु हमने तो अमूमन सुना है कि लोग सिर्फ आलू वाल के खाते रहते हैं वहाँ। कई लोग हैं जो वहाँ बहुत ज्यादा जैसे अनहेल्दी भी खाते हैं, तो बट मैं वही बता रही हूँ कि मेरे प्रोफेशन में जितने भी मेरे कोलीग्स हैं और वो सब, क्योंकि वो ज्यादा देर तक काम करते रहना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपने आप को फिट और एक्टिव रखें, जितना हो सके वो लाइट खाना खाएं, जिससे कि वो ज्यादा देर काम कर सके पूरे दिन में। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 घंटे की ब्रेक हुई तो समोसे मंगा लो खा लो, ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। तो वहाँ 2 घंटे की जब रिसेस होता है तो फिर उसमें क्या मंगाते हैं आप लोग? 2 घंटे का नहीं होता, 1 घंटे का होता है, तो घर का बना खाना खाते हैं हम। 1 घंटे का वहाँ भी आपको लंच का टाइम मिलता है? बिल्कुल, तो वहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक होता है। कई बार नहीं भी मिलता, पेशेंट आ जाए तो हम रेडी रहते हैं काम करने के लिए, तो कंटिन्यूस काम होता है शाम के 6 बजे तक। काम काम से याद है मैम, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए, काम करना भारत में ज्यादा आसान है, पंजाब में ज्यादा आसान है, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न में काम की तुलना अगर करें? यहाँ तो डॉक्टर्स जब चाहे ब्रेक ले लेते हैं, क्या वहाँ ले पाते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कई तरह के डॉक्टर्स हैं जो ब्रेक ले लेते हैं, और कुछ हैं जो बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते, ठीक है। अब जिनके साथ मैंने काम किया है वो बहुत ज़्यादा मेहनती डॉक्टर्स थे, मैं भारत की बात कर रही हूँ, और नहीं लेते थे ब्रेक, वो बहुत कम ब्रेक लेते थे और बहुत मेहनत करते हुए मैंने उनको देखा, ऐसी बात नहीं है। काम का अगर आप स्ट्रेस लेवल कहो तो स्ट्रेस लेवल वहाँ ज़्यादा है, मेहनत दोनों जगह मैंने लोगों को करते देखा है, लेकिन स्ट्रेस लेवल वहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दें और कुछ भी कर दें पेशेंट के मुँह में, और ये है कि आपको लीगल मैटर्स में आप फंस सकते हैं वहाँ पे, अगर कोई पेशेंट कंप्लेन कर दे। वहाँ पे एक बोर्ड है जिसको हम एप्रा कहते हैं, ये बेसिकली एक रेगुलेशन एजेंसी है, जो कि एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है कि कौन सा मेडिकल प्रैक्टिशनर या डेंटल प्रैक्टिशनर या नर्स कैसे काम कर रहे हैं, और अगर कोई पेशेंट की कंप्लेंट आती है वहाँ पे, तो वो ऑब्वियसली वो आपसे सवाल करते हैं, और आप आंसरेबल होते हो कि आपने कैसे, क्या आपका रीज़न रहा कि आपने उसको ये ट्रीटमेंट ऑफर की और क्यों की और ये सब कुछ, तो आप जवाब दें। हाँ, बिल्कुल जवाब दें। और आपके वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो काम करने के तरीके में आया, वो नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ ऑनलाइन, आप पेशेंट के आने से लेके जाने तक के नोट्स आपको करने पड़ते हैं हर पेशेंट के बाद, आप रिटर्न टाइप करते हो वहाँ पे क्या बातचीत हुई पेशेंट से, और वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं? एज अ रिकॉर्ड रखते हैं, 7 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक का रिकॉर्ड होता है जो रखना होता है आपको पेशेंट। ठीक है, मैं चाहूंगा डॉक्टर चांदनी जी, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, क्या अब भी कोई ऐसी चीज रह गई जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिस गोल के लिए आप काम कर रहे हैं वो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं? देखिए, मेरा गोल तो मेरे गोल्स चेंज होते रहे हैं डिफरेंट फेजेस, ठीक है, अलग अलग स्टेज पर आपके गोल भी चेंज होते रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा गोल था कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ बनना है, कुछ प्रोफेशनली हासिल करना है। अब मेरा गोल ये है कि मैं अच्छी, जितनी अच्छी प्रोफेशनल बन सकूँ बनूँ, तो उसके लिए मैं अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पीछे अभी साउथ अमेरिका में जाके एक इम्प्लांट्स का कोर्स भी किया, ठीक है, तो मैं अपडेट करना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं विद्यार्थी रहना चाहती हूँ अपने पूरे थ्रू आउट लाइफ में। मैं नहीं चाहती कि मैं सोचूं कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ तो मैं आराम कर लूँ, मैं आराम करना ही नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं करते रहूँ, सीखते रहूँ,
जितना हो सके मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज करूं और एज अ पर्सन भी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं चाहती हूं अपनी. तो मैं मेरा बेसिकली अब एक गोल नहीं रह गया, मेरा ये जर्नी है. तो मुझे अपनी जर्नी तय करनी है टिल द टाइम आई ऑब्वियसली आई डाई. सो आई रियली वॉन्ट टू लर्न एंड ग्रो. और इस सफर में हम सफर कैसा है आपका? बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है. मैं मानती हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ. मुझे लगता है अगर मेरे हस्बैंड सपोर्टिव ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं होती. और बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करना उसके ड्रीम्स में. और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मोटिवेट और सपोर्ट किया है, तो हम दोनों मिलके अब चाहते हैं कि हम और आगे अपने आप को ग्रो करें. सो एक रथ के दोनों पहिए जब समानांतर चलते हैं तभी रथ आगे बढ़ता है. मैं ये भी जानना चाहूँगा या फिर हमारे दर्शक जो हैं वो ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर चांदनी जी, आज के दौर में जब आप सोशल मीडिया का इतना उपयोग देखते हैं विद्यार्थी के लाइफ में, क्या आपके टाइम में भी इतना ज़्यादा उपयोग किया जाता था? या फिर आज के दौर में अगर बच्चे इतना उपयोग कर रहे हैं तो वो उनके लिए कितना लाभदायक सिद्ध होगा? देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा टूल है टू लर्न एंड टू फाइंड योर नीश, कि आप कौन से सेक्टर में अपने आप ग्रो करना चाहते हैं. अब होता है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. आजकल बच्चे वो बन रहे हैं, हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें. वो पॉसिबल नहीं है. आपको एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी जिस तरफ आपने ग्रो करना है, और उसमें आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी टू फाइंड द लेवल ऑफ सक्सेस यू वॉन्ट इन लाइफ. दूसरा ये है कि सोशल मीडिया में आपको हर सेक्टर से कंटेंट मिल रहा है. तो मैं देख रही हूँ कि हर बार बच्चे थोड़ी देर बाद मोबाइल देख रहे हैं. तो मुझे लगता है बच्चों के लिए पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहिए कि आप देखें, मोबाइल बहुत अच्छा टूल है टू लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ. एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम एक डेजिग्नेटेड टाइम रखें जब फ़ोन देखना है. जी, एक घंटा पढ़ाई करी, फ़ोन साइड पे हो और फ़ोन को आप देखें नहीं, और उसके बाद अगर आपने फ़ोन देखा तो 15 मिनट की ब्रेक ले लें. फ़ोन में फ़ोन देखना है फ़ोन करें, फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो करें. सोशल मीडिया बहुत अच्छा टूल है. इवन जब आप अपना कोई बिजनेस खोलते हो अपने आप को मार्केट करने के लिए, अपने आप को यू नो टू पुट योरसेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल मीडिया इज अ ब्यूटीफुल टूल इफ यूज्ड राइटली और यूजफुल तरीके से. तो मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टर चांदनी, जो अब तक आपने सफर हासिल किया है, जो सफर आपने तय किया है, जो मंजिलें आपके जीवन में आपके सफर के दौरान आपको मिलती गई, और अभी जैसा आपने हमें बताया कि सफर काफी लंबा है और तब तक है जब तक आप हैं, तब तक ये सफर जारी रहेगा. एक सफल व्यक्ति का ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र होता है कि वो ताउम्र एक विद्यार्थी बने रहते हैं. जहां से भी उन्हें कुछ सीखने को मिलता है वो सीखते रहते हैं. परंतु मैं चाहूंगा कि डॉक्टर चांदनी, आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि आपके सफलता की कुंजी, आपके सफलता का मंत्र क्या रहा है, किसे आप अपनी सफलता का राज समझते हैं? मुझे लगता है अपने आप से पॉजिटिव बातें करना बहुत ज़रूरी है. आपको ढेरों लोग मिल जाएंगे जो आपको नीचे गिराएंगे या आपको बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए और आपको ये नहीं करना चाहिए. बट जब अपने आप से आप एक पॉजिटिव बात करते हैं, अपने आप को ऊपर उठाना, वो मैं कहूँगी वो एक सक्सेस की ड्राइव रही है. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स एक टाइम पे आपके साथ नहीं रहते. और वही मेरे साथ हुआ. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई हूँ तो बहुत बार ऐसे हुआ कि मैं निराश हो जाती थी और मुझे लगता था कि शायद मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, बिकॉज एग्ज़ाम भी बहुत टफ है क्लियर करना. पर मैंने अपने आप से पॉजिटिव बात करनी नहीं छोड़ी. अपने आप को ड्राइव मैं कर देती रही कि मुझे करना है, मुझे बनना है. और अपने आप से पॉजिटिव बात करना, अपने आप को अपनी नज़रों में ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है. मतलब नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होती थी, परंतु आप सकारात्मक सोच के साथ लगातार खुद को मोटिवेट करते रहे. बिल्कुल, सेल्फ मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस आई वुड से. अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं हार जाएंगे. क्योंकि अगर आप एक्सटर्नली अपनी मोटिवेशन ढूंढेंगे कि मुझे ये सपोर्टिव नहीं मिला या मुझे मेरा हस्बैंड सपोर्टिव नहीं मिला, तो आप बेसिकली एक्सक्यूजेस दे रहे हैं. yes, पर जब खुद को दे रहे हैं एक्सक्यूजेस आप. ठीक है, वो मैं लकी थी कि मुझे मिले हैं. ठीक है, लेकिन कई बार आपके हालात नहीं होते. लेकिन आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, अपने आप को रोज क्या कहते हो, क्या कह के आप अपने आप को जगाते हो और क्या कह के अपने आप को सुलाते हो, वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है. वो आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है. आज के मैम, मैं चाहूंगा कि आप हमारे विद्यार्थियों को या फिर जो हमारे दर्शक हैं जो पूरे वर्ल्ड से इस समय आपको या हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि नेवर स्टॉप लर्निंग, और अपने अंदर जो आपके, देखो हमारे सबके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव सोल है, उसको आप जागृत रखें, उसको आप उससे बात करते रहें। जब आप उसको जागृत रखते हैं, उससे अच्छी बातें करते हैं, तो वो आपको गाइड करती है। तो आपका जो गाइडेंस है, वो कहते ना हमारे दिल में भगवान है, तो वही बात है कि आपका भगवान आपके अंदर बैठा है, तो उससे आप गाइडेंस लें, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको समझाएगा। बुरा वक्त सब पर आएगा, मुझ पर भी आया है और आगे भी आएगा, तो उसमें आप अपने आप को कैसे उठाएंगे वो जरूरी है। संघर्ष के पल सबके जीवन में आना है। दोस्तों, आपका स्काइसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काइसी ऑयल।